अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल नंबर 5.5 से 7 तक लेकर हाजिर हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो सुर्ख रंग के बटन को प्रेस करें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो कहता है, ज़मीन की सतह से 36 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत मालूम करें। बुलंदी कितनी है? 3600 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे लिए 3.6, यहाँ पे 3.6 इसके 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 किलोमीटर को मीटर में 10 की पावर कितने आ जाएंगे? 6। तो रेडियस कितना होता है ज़मीन का? 6×4 ÷ 10^6 ये हमें मालूम होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ, मास कितना होता है? वज़न कितना होता है? 6×10^24 किलोग्राम होता है मास ऑफ अर्थ, ज़मीन का मास। हमने ग्रेविटेशन एक्सलेशन मालूम करना है। तो m=gmm और r+h². एच क्यों लगाया? क्योंकि एच उसने बुलंदी दी हुई है, इसलिए जी देखें तो उसने दिया हुआ है 6×67 ÷ 10^-11 हमें मालूम होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ उसने दिया हुआ है 6×10^24 हमें यह भी मालूम होना चाहिए। और रेडियस कितना है? 6×4 ÷ 10^6 + ये वाला। और एच कितना है? 3×6 ÷ 10^6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर होल का लेंगे। आप देखें क्या करेंगे, 6×6 = 7 ÷ 6, इसको आपस में ज़रब करें तो 40×0 = 38 आता है 10^24, और ये वाले -11 आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। नीचे वाले 6×4 और 3×6 जमा कर देंगे और 10^6 कामन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में मौजूद है 10^6, तो उसका स्क्वायर भी ले लेंगे होल का। तो 40×0 = 38 ÷ 10^13 बच जाएंगे। नीचे इनको जमा करें, 6×4 3×6 को तो 10 आ जाएगा, 10^6 वैसे का वैसे इनका होल का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। 40×0 = 38 ÷ 10^13, 10 की स्क्वायर लेंगे तो 100, तो 10^6 का स्क्वायर लेंगे 10^12। अब क्या करेंगे, 40×0 = 38 पे 100 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0×4 ÷ 10^13, वैसे का वैसे 12 नीचे वाला ऊपर जाके -1 आ जाएगा। 4×10^1 10 के बराबर होगा। 4×10 करेंगे तो 4×10 करें तो 4 m/s², क्योंकि एक्सलेशन का यूनिट ये है। अगले की तरफ बढ़े, देखें क्या कहता है अगले में। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स पर ज़मीन की वजह से जी की कीमत मालूम करें। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस 48,700 किलोमीटर है। जियो का मतलब होता है ज़मीन, इसलिए ज़मीन उसने दी हुई है। r=, रेडियस कितना दिया है? 48,700 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इधर इशारे लेके आए तो देखे 3 इसके बन जाएंगे सेम, और 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^6 आ जाएगा 6। फार्मूला होता है g=gm/r². अब हम यहाँ पे h क्यों ले रहे हैं? क्योंकि h उसने हाइट तो दी नहीं, इसलिए h नहीं लेंगे। जी कीमत पुट करेंगे, मास की कीमत भी पुट करेंगे खुद से, क्योंकि हमें मालूम होनी चाहिए 6×10^24 होती है। आर उसने दिया हुआ है 48×7 ÷ 10^6, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो आगे देखें क्या करेंगे, 6×6 ÷ 7 ÷ 6 को ज़रब करेंगे तो 40×0 = 38 आएगा, 10^-11 और 24 आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। नीचे वाला 48×7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 23×23 ÷ 71 और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 10^12 बन जाएगा। अब 40×0 = 38 पे तकसीम करें 23×23 ÷ 71 तो आ जाएगा 0.017, 10^24 में से 11 गए 13 बच गए, और 13 में से नीचे वाला 12 ऊपर जाके माइनस होने हैं तो 12 बचेंगे। यहाँ पे सर ने 11 लगाए हुए हैं, भूल गए हूँ सॉरी। तो 0.017 ÷ 10^12 आ जाएगा 1। 1 कैसे आएगा, 13 में से तो आप 11 कह रहे हैं, 11 नहीं है 12 है भाई, नीचे गलती होगी। 0.017 ÷ 10^1
एक शरी इधर कन्वर्ट हो जाएगा 0.17 मीटर सेकंड स्क्वेयर, जी की कीमत आ गई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है ज़मीन के मरकज़ से 10,000 किलोमीटर के फासले पर जी की कीमत 4 मीटर फी सेकंड स्क्वेयर है। ज़मीन का मास मालूम करें। रेडियस कितना दिया उसने, फासला 10 किलोमीटर, भाई 10,000 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3, 4 0 ये हैं 3 मीटर वाली, 3 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर आ जाएंगे 7। जी की कीमत उसने दी हुई है 4 मीटर फी सेकंड स्क्वेयर। मास ऑफ अर्थ हमने मालूम करना है तो इसका फार्मूला होगा जी आर स्क्वेयर ओवर जी। कन्वर्जन के बाद ये फार्मूला आपको हासिल होगा। जी की कीमत 4 है, आर की कीमत देखें 10 की पावर 7 हमने निकाल ली है, उसका स्क्वेयर लेंगे क्योंकि 10 की पावर 2 है तो स्क्वेयर लेंगे, बटा जी है तो ओवर जी की कीमत 6.67 दर 10 की पावर -11 हमें मालूम होनी चाहिए। 4 पे 6.67 तकसीम करेंगे तो 0.599 आ जाएगा। 10 की पावर 7 को स्क्वेयर लेंगे तो 10 की पावर 14 आ जाएगा, नीचे वाला 11 ऊपर जाके 11 जमा हो जाएगा। 0.599 जर 10 की पावर 25, 14 जमा 11 25। आप इशारे इधर कन्वर्ट कर रहे हैं, देखें 1 कर रहे हैं, 5.99 हो जाएगा जर 10 की पावर 24, क्यों, क्योंकि 1 कम हो जाएगा 24 में से 1 कम। किलोग्राम मास को यूनिट किलोग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।